जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसील सहजनवा के सभागार में विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जिला जज तेज प्रताप तिवारी के निर्देश अनुसार तहसील सहजनवा के सभागार में समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के मौलिक विधिक अधिकारों तथा PCPNDT एक्ट विषयक पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ऐसी महिलाएं जो अपने घर से बाहर निकलकर अपनी समस्याओं को बयां करने में असमर्थ हैं, वह पुलिस विभाग की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर 181, 112 व 1090 व वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से भी अपनी समस्याएं बता सकती हैं और दूसरी अन्य महिलाओं को भी सहायता कर सकती हैं। उनको उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर SDM सहजनवा सुरेश कुमार राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, किस तरह के जागरूकता अभियान सहजनवा चलाया गया? आज का जो विधिक साक्षरता जागरूकता का कार्यक्रम जो तहसील सहजनवा में किया गया है, उसके संबंध में हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार आज विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तहसील सहजनवा में किया गया है। इसमें महिलाओं के कानूनी अधिकार व बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और समाज के जो निसहाय वंचित वर्ग के कमजोर व्यक्तियों के विधिक सहायता के बारे में और उनके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया।